मम्मी आराम से ऐसे बैठे थे जैसे गर्मियों के सीजन में सड़क पर तरबूज का ढेर लगा हो। मम्मी अचानक आपके बॉडी में सरोज खान जैसी हलचल क्यों होने लगी? पर मम्मी हिचकिया ले रही है, मैं अभी जाके पानी लेकर आती हूँ। तू ठहर, कल तूने मटका फोड़ा था, अभी तक वैसा ही है, मैं पानी लेकर आती हूँ। मम्मी को कोई याद कर रहा है? इस उम्र में भी मम्मी को कोई याद करता है? समझ गई, वो सरपंच का बेटा जिसको मम्मी ने जवानी में घास तक नहीं डाली थी, वो बुढ़ापे में अपने बालों पे काली मेहंदी लगाते लगाते मम्मी को याद कर रहा होगा। इतने चुपके कुछ भी अराब छना बकती रहती है। फिर आपको कौन याद कर रहा होगा मम्मा? तेरा बाप। ये हो सकता है काजल, ये हो सकता है। पता है तुझे, डैडी ना सुबह से अकेले बेडरूम में बैठे है। वाह क्या इंटेंस रोमांस है, डैडी बेडरूम में बैठकर मम्मी को याद कर रहे हैं और मम्मी हॉल में बैठकर हिचकियां ले रही है। ये करा, ये सब बकवास है। अगर किसी के याद करने से किसी को हिचकियां आती ना, तो तू दिन में हजार दफा शाहरुख को याद करती है और वो हकलाने की बजाय हिचकियां खाते खाते डायलॉग बोलते नजर आता। लो मम्मी पानी पी लो, हिचकी बैठ जाएगी। इसे कहते हैं चाहत पर पानी फेरना। पेश किया है, बोल 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 बोल। इस कदर दिल ने दिल को याद किया, इस कदर दिल ने दिल को याद किया कि दिलदार की डील-डॉल बदन को हिला दिया, जो देखा ना गया जालिम जमाने से उनका ताता तैया। एक लोटा भर कर उस पर पानी फिरा दिया। इसकी जात की, ये तो एड़ी गालिब की गली में घुस गई। चिकनी, तूने शेर मारना कहाँ से सीखा? क्या बात कर रही है काजल, शेर और मैं मारू? अरे मैं तो किसी के सर की जू नहीं मार सकती। मैं 100% बापू की फॉलोअर हूँ, अहिंसा परमो धर्म। हटेली, अपुन चार पैर वाले जंगल वाले शेर की बात नहीं कर रहे। अच्छा, दो पैर वाले लोकल शेर भी होते हैं, लेकिन मैंने तो नहीं सुना। एक डफर, ये गजल के शेर की बात कर रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो वाह वाह वाह, दोबारा तिबारा चबारा, तुम वो शेर की बात कर रहे हो? तुम्हें पता है उस शेर की वाइफ का नाम क्या है? अरे पागल, गजल के शेर की वाइफ कहाँ होती है, वो तो मिले जुले निर्जीव शब्दों का मेलजोल होता है। नहीं मालूम ना, मैं बताती हूँ, शेर की वाइफ का नाम है शायरी। तभी तो मुशायरे में दोनों शेर और शायरी ऐसे साथ में होते हैं जैसे हस्बैंड और वाइफ पार्टी में साथ हो। तू महान है स्वीटी, तो किसी को भी हस्बैंड बना सकती है और किसी को भी वाइफ दिला सकती है। पर ट्रेजेडी सिर्फ इतनी है कि मैं अपने लिए दूल्हा नहीं ढूंढ सकती। मिल जाएगा चिकनी, ढूंढने से तो खुदा मिलता है, दूल्हा क्या चीज है। काजल, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर ऐसा आता तो लोग अपना नाम मैरिज ब्यूरो में जाके नहीं लिखते, वो खुदा को ढूंढते और बोलते प्लीज हमारे लाइफ पार्टनर का पता दे दो। पुलिस क्रिमिनल को नहीं ढूंढती, वो खुदा को ढूंढती और पूछती ये खून किसने किया है, ये चोरी किसने किया है। और तू बोलती है कि ढूंढने से खुदा मिल जाता है। उस दिन मीनाक्षी से सुई गुम गई थी, पूरा घर छान मारा लेकिन सुई नहीं मिली, और तू बोलती है ढूंढने से खुदा मिल जाता है। खबरदार, जो ऐसी उल्टी सीधी बातें बच्चों को सिखाई तो ओए, तू अपनों खबर आ गई। एक दूंगा रख के, ए रख के क्या देती है, देना तो सीधा उठा के देना। मोर तो इसको समझा दिया, अगर अपन की खोपड़ी सटक गई ना तो अपन इसे चिकने चेहरे पर अंडमान निकोबार का नक्शा बना देगा। अंडमान निकोबार, वाओ, अंडमान निकोबार इज अ फैंटास्टिक प्लेस। पता है मम्मी, आजकल है ना शादी के बाद वहाँ के जंगलों में हनीमून बनाने का लेटेस्ट फैशन निकला है, और आपको पता है मेरे पास है ना वहाँ की सारी डिटेल्स है। इसे कहते हैं आशावाद की इंतहा, शादी हुई नहीं और हनीमून के एड्रेसेस ले रखे हैं। देखो, हनीमून पति के खर्चे से होता है, अगर उसके पॉकेट को अफोर्ड नहीं हुआ तो ऐसे होने के कोई चांसेस नहीं है स्वीट हार्ट, क्योंकि जो आदमी मेरी जैसी बीवी अफोर्ड कर सकता है वो दुनिया के किसी भी कोने में जाके हनीमून बना सकता है। फिर भी अगर तेरी बात मान ले तो मेरे पास एक बहुत सुंदर सस्ता टिकाऊ आइडिया है। कौन सा? बोरीवली नेशनल पार्क। तू बोरीवली नेशनल पार्क में अपना हनीमून बनाएगी? हाँ काजल, मतलब तो हमारा जंगल से है, फिर वो जंगल बर्मा में हो या बॉम्बे में क्या फर्क पड़ता है। पता है ये बड़ा कन्वीनियंट है, अंधेरी से लोकल पकड़ो,
बोरेवली पहुंच जाओ। बोरेवली से रिक्शा पकड़ो 5.5 रुपए में नेशनल पार्क। वहाँ एक सुंदर सा टेंट लगा लो और पता है हम लोग है ना घर से पूरी भाजी पैक करके लेके जाएंगे। 300 रुपए में हमारा हनीमून हो जाएगा। अरे ऐसा हनीमून तो सिग्नल पे भीख मांगने वाले भिखारी भी अफोर्ड कर सकते हैं। Excuse me, मैं अभी आई। हम दो प्रेमी छत के ऊपर गली गली में शोर 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 छोटी, तू चाय में डूबे हुए ब्रून पाव के जैसे ढीली क्यों हो गई है? आप मुझे क्या बताओ स्वीटी, एक जर्नलिस्ट के जीवन के रास्ते कितने पथरीले होते हैं। ये तो जैसे घर बैठ के क्लार्क की पतंग उड़ाने वाली को क्या पता। इतनी धूप में कहाँ घूम रही है तू छोटी? और क्या, धूप में घूम घूम के तेरा रंग भी काला हो गया है। खबरदार मीनाक्षी, पूरी दुनिया से गोरे कालों का भेदभाव मिट गया है। खबरदार जो तू हमारे घर पे लेके आई। ये सुभाष अंकल की फिल्म का गाना नहीं सुना क्या? गोरो की ना कालो की दुनिया है दिलवालो की। दुनिया के किसी भी कोने से बात शुरू हो, कोई भी स्टोरी हो, ये उसमें दिल घुसे करी रहती है। ओहो, तुम लोग छुपे रहोगे? लाइफ में कितना टेंशन है। कौन सा टेंशन आन पड़ा है बड़ी अम्मा आपको? कुछ खबर आई है क्या? कोई खबर ही नहीं है, यही तो टेंशन है। लाइफ एकदम रूटीन पे चल रही है, जैसे नेशनल हाईवे का ट्रैफिक। बस वो ही सिग्नल पे रुकना, स्पीड ब्रेकर के ऊपर उछलना, ना कोई ट्विस्ट, ना कोई टर्न, ना कोई हंगामा, ना कोई खबर, बस। ओए छोटी, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? आजकल अपने देश में इतनी खबरें हो रही है कि पूरा खबरिस्तान खुल सकता है। यहाँ ना 11 दिन में ही दिल्ली का तख्त बदल जाता है। नवजोत सिंह सिद्धू तुरंत आधा छोड़कर लंदन से लुधियाना आ जाता है और मिस यूनिवर्स का बॉयफ्रेंड मिस्टर यूनिवर्स बनने से इनकार कर देता है। क्या मिस यूनिवर्स को उसके बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया? यस। उसका नाम क्या है? उसका पता क्या है? तुझे क्या काम है? अरे काम क्या होगा, मैं सीधा उसे जाकर कह दूंगी। मिस यूनिवर्स भले ही लोगों के दिल पे दस्तक देती रहे, तुम मेरे दिल में बिना नाव किए घुस सकते हो। और फिर छोटी के पत्रकार भाइयों को गर्मा गर्म खबर मिल सकती है जिसका कैप्शन होगा, मिस यूनिवर्स के दिल से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है स्वीटी का घर। स्वीटी तू चुप रहेगी? तुम्हें अपना दिमाग चलाओ कि हमारी रूखी सूखी जिंदगी में मजा कैसे आए। हाँ यार छोटी, तेरी बात में दम तो है। साला आजकल गुंडागिरी में भी कोई मजा नहीं रहा। हर एक घर से एक बच्चा गुंडा बन गया है और सबका सपना पार्लियामेंट में जाकर बैठने का है। और महिला मुक्ति वालों के मर्दों के खिलाफ बुमाबुम की हालत भी बिल्कुल हिंदी फिल्मों के गालों जैसी हो गई है। जो भी सुनता है कहता है ये पहले कहीं सुना है। आजकल ना चर्च गेट के फुटपाथ पर भी पढ़ने लायक बुक्स ही नहीं मिलती। तरीके मुझे तो लगा सिर्फ कुंवारी स्वीटी दुखी है, लेकिन बाकी की कन्याओं की हालत तो कन्याकुमारी की चट्टानों जैसी है। ए छोटी, ये तो बता सुनील और गंगा का मामला कहाँ तक बढ़ा? मम्मी आपको मालूम नहीं है, पूजा आंटी ने इस बार करवा चौथ का व्रत इतना कठोर रखा कि सुनील अंकल गंगा को छोड़ के पूजा आंटी के पास जाने लगे। अरे यार, सुनील और गंगा का लफड़ा करवा के पूजा को इंसाफ दिलाने के लिए मोर्चा निकालने का काम अच्छा है ना? ए टोपी, तेरा नाम काजल से बदलकर शादीलाल तलाकचंद रख देना चाहिए। खुद ही मिलाएगी, खुद ही लड़ाएगी। ओए ओए ए काजल, तेरा आइडिया तो अच्छा है, कम से कम हमको एक हफ्ते की टाइम पास की खुराक तो मिल जाएगी। क्या चल रहा है? पांच पांडव ये शकुनी माता मिलकर कुंती माता मिलकर क्या कारस्थान सोच रहे हैं? डैडी, हम लोग है ना प्रेम ग्रंथ लिखने का कच्चा चिट्ठा बना रहे हैं। प्रेम ग्रंथ तो रिलीज हो गई मुझे लगता है। हाँ, बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है, तुम लिख कर ले लो, चिंपू राज साहब का नाम रखेगा। मैंने तुमसे नहीं पूछा। तो समझ लो मैंने भी आपसे कुछ नहीं कहा। मैं तुमसे नहीं बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप मुझसे कट्टी कर रहे हैं। मम्मी, मुझे तो लगा कि आपके पति बड़े हो गए, लेकिन ये तो बच्चों की तरह कट्टी पट्टी कर रहे हैं। ओके, कट्टी तो कट्टी सही, अभी तो मैं भी आपको हर किसी बताऊंगी कि हम लोग पूजा आंटी और सुनील अंकल के बीच में लड़ाई करवाने का प्लान बना रहे थे।
तुम लोग सुनील अंकल के संसार में आग लगाने की सोच रहे हो और बिना तुम इनका साथ दे रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, वो तो अरे, अरे तुम भी किन की बातों में आ गए। चलो लड़कियों हम अंदर चलकर बैठते हैं, हाँ। वरना ये चिल्लाते रहेंगे और हम अपना काम भी नहीं कर पाएंगे। मैं चिल्ला जाऊंगा। सुनो। देखा, बच्चों को लेकर ऐसे चली गई जैसे सूखे पेट से पंछी उड़ जाते हैं। तुम्हें मैं कौन से एंगल से सूखा हुआ पेड़ लगता हूँ? अरे तुम तो मुझे शिमला का सेब का बगीचा लगते हो, लेकिन तुम ही एक हो जो मेरे सौतन के पल्लू से लटके रहते हो। बताओ ये कौन सा प्लान बना रहे थे? मुझे क्या चुगली को चिड़िया समझ रखा है? नहीं, लेकिन तुम्हें ये अच्छा लगता है कि घर में मुझसे छुपा कर कुछ बात हो? नहीं तो नहीं ना, नहीं ना, तो कहता ना क्या बात चल रही थी? पहले एक बार आई लव यू कहो ना। सर पे चढ़ जाएगी। इतने अकड़ क्यों रहे हो? कमाल है, मैं तुम्हें इतने प्यार से पूछ रही हूँ, ये लाओ वो लाओ और तुम क्यों उखड़े जा रहे हो? ढीला मत छोड़ना, वरना हाथ में आई हुई लगाम फिर से निकल जाएगी। तो एक तो लगा भी दो, समझती क्या आपने आपको? हाँ, तुमसे छुप छुप कर बच्चों के साथ साजिश करती है। तस्वीर की तरफ क्या देख रहे हो? मेरी तरफ देखो। नहीं देखता जा। मैं चाहूं वहां देखूंगा, चाहूं वहां नहीं देखूंगा। मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखता, जाओ। क्यों? मेरा चेहरा क्यों नहीं देखते? देखने लायक है ही क्या? कभी कभार तो तुम डोनाल्ड डक की बहन जैसी लगती हो। क्या? तुमने मुझे डोनाल्ड डक की बहन कहा? नहीं नहीं। पता तुम क्या लगते हो? मोगली के चाचा। बाप रे, ये तो पत्नी है या कौन? पति को जंगल बुक का कार्टून का क्या था तुमने? मैं कैसा लगता हूँ? मोगली के चाचा। देखो तुम हद से गुजर रही हो, तुम अपना मुंह बंद रखो वरना। वरना क्या कर लोगे? वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, मैं बकवास, ये दिन दिखाने से पहले तुमने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? कुछ नहीं कहा, वो जरा से हमारे में तुतु मैं हो गई। क्या? किसने कहा तुतु? बाद में इसी ने कहा मैं। झूठ मत बोलो डैड, तुतु मैं रोने लगी। इतनी बुज़दिल नहीं है हमारी माँ। आपने कहीं मम्मी पे हाथ तो नहीं उठाया है? किसने?
मैंने हाथ उठाया नहीं, वो क्या है, मैंने जरा सी गुंदी। अत्याचार! महिला मुक्ति की कार्यकर्ता की माँ पर ही अत्याचार? डैडी आपने ये भी नहीं सोचा कि आप किसी भी माँ पे हाथ उठा रहे हैं? पड़ोस में ना सही तो घर में ही लड़ा दो। चलो तुम्हारा सामान पैक कर दे। हाँ। चलो। अरे सुनो, अरे सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो, अरे मुझसे भूलो नहीं बात। अरे कोई सुनता ही नहीं मेरी, हमेशा लेके ऐसे ही करते रहते। अरे जाती है तो जाने दो, मैं तो हूँ यहाँ पर। तू तो बोलना ही मत। चने के झाड़ पे चढ़ा कर टांग दिया, अगर वो सचमुच मैके चली गई तो मेरा घर पानीपत का मैदान बन जाएगा। अरे रो मत, ये तो अकेली बांद्रा नहीं गई, बलिया क्या जाएगी। तू उसकी वानर सेना को नहीं जानती। अरे अपनी माँ को बलिया क्या, बर्लिन तक पहुंचा के आएगी वो कौम। अरे भगवान कुछ चमत्कार दिखा, नहीं तो मरी बीवी के नाथ में जिंदा बीवी से हाथ धो बैठूंगा। अरे भगवान इस तरह सुनने लगे तो हो गया ना। भगवान ने सुन ली। आइए आइए भगवान दास जी, इसमें ऐसा होता है। आइए आइए मुंबई दास जी, मुंबई में कब आना हुआ चौधरी। बस सीधे ट्रेन से उतर कर चले आ रहे। सीधे चले आए आप? दीजिए दीजिए बैग दीजिए। बलिया गांव हमेशा के लिए छोड़ दिया क्या? जी नहीं, सामान बहुत है इसलिए। कहीं इसमें पत्थर तो नहीं भरे होंगे? कपड़े हैं। बैठिए 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 ना बैठिए जी। पिना पिना जल्दी बाहर जाओ, देखो तो कौन आया है। जो भी आया है उसे दरवाजा दिखाओ, अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ। नहीं दरवाजा तो इन्होंने देख लिया, तो दरवाजे में इसी आया है, अब वो तुम्हें देखना चाहते हैं, जल्दी बाहर आ जाओ। अरे यार आ आकर कोई ऐरा गैरा नथु खेरा ही आया होगा ना, वो भी देखो तो तान्या को लेकर हमारे घर पर चाय पर नहीं आएगा। लगता है हम गलत वक्त पर आ गए हैं। नहीं सही फरमाया आपने, सही फरमाया जी। वो क्या है, हमारे घर में राहु काल का आगमन हुआ और आपका प्रवेश हुआ। जी नहीं, मैं ऐसे नहीं कहना चाहता, चिंता मत कीजिए, हमारे घर में तूफान जितनी जल्दी आता है उतने जल्दी थम जाता है। बिना देखो तो तुम्हारे गांव से तूफान जी आए, मुखिया जी आए हैं। चौधरी चाचा आप? चाची भी आई है। पाए लागू, जरा वो मैं गुस्से में थी ना, इसलिए आपको देखे बगैर बेअदबी हो गई। होता है, अब गुस्सा उतरा या नहीं? अरे यार उतर ही जाएगा ना, कहते हैं मैके के कुत्ते को देखकर भी औरत बाग बाग हो जाती है, फिर आप लोग तो इंसान हो। अब इसकी बात पे ध्यान मत दीजिए, इसने आपको कुत्ता नहीं कहा, इसे ऐसी आदत है बम्बार्डिंग करने की। मीना जी नहीं है क्या घर पे? हमारे नसीब कितने अच्छे हैं कि आज मीना जी घर पे है। मनोहर तुम आए हो और मीना जी घर पर नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आइए आइए मीना जी आइए। कब आए मनोहर? बस अभी 5 मिनट हुए। 5 मिनट हुए और किसी ने हमें खबर तक नहीं की? आनंद बाबू दिन ब दिन और बेफिक्र होते जा रहे हो, और आप चुदराए दिन ब दिन और जवान लग रही हो, और से चक्की का आटा खाती हो। जी आप मजाक कर रही हैं, बाकी हम तो जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं। वही तो कह रही हूँ, मनोहर शशि कपूर की तरह फैलने लगा है और तुम रेखा की तरह स्लिम होने लगी हो। जी धन्यवाद। मनोहर इतना भी मोटा होना अच्छा नहीं कि लोग बीवी को बेटी समझने लगे, और तुम भी ना घर में मेहमान आए हैं और तुमने पानी तक नहीं पूछा। मैं लाती हूँ, तू रहने दे मैं लाती हूँ। ये पानी लाने आ रही है, लेकिन पानी गिरा चली गई, गिर गई। अरे सेले ओहो, ये लड़कियाँ एक काम भी ढंग से नहीं कर सकती। इसकी जात की साली क्या एक्टिंग कर रही है,
बेचारे गरीब गांव वालों को उल्लू बना रही है। क्या काम से आए हो? आपको कैसे पता चला कि हम काम से आए? अरे भाई, जो आदमी बिना मतलब बटेर मारने नहीं जाता वो बॉम्बे ऐसे ही थोड़ी आएगा। सही कहा आपने। दरअसल बात यह है कि आपका मंदिर तैयार हो गया है। वेरी गुड, सब भक्तों की आस्था का फल है। और अगली पूर्णमासी को उसका उद्घाटन है। होना ही चाहिए, बड़ा शुभ दिन है। पर हम चाहते हैं कि आप वहाँ उपस्थित रहें। ख्याल तो बड़ा अच्छा है, पर हमारी कुछ शर्तें हैं। शर्त?